चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन है, जैसे हम न्यू टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो फॉर एग्जांपल 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या करना है, न्यूमरेटर डिजिट का मल्टीप्लाई। सो 2 3 6/7 इज इक्वल, सेकंड सम 9/7 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 9 6 54/7। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करना है, जो डिजिट है न्यूमरेटर डिजिट उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है 2 3 6 और न्यूमरेटर 7 एज इट इज, 9 6 54/7। सो लेट्स वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 36 एंड एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर 3, जो हमने अभी टॉपिक लर्न किया उस टॉपिक का हम क्वेश्चन करेंगे, दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, सो 7 3 21/5 इजी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में से हम आपका होमवर्क होगा कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या है, रैंडमली हम ले रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 है 24/5, सो 2 वे से जा सकते हैं, 24 80/5 देन आफ्टर डिवीजन 80 डिवाइडेड 5, सो 5 1 5 5 10, सो 5 1 5 8 5 3 0, 5 6 30 0 0, दैट मीन्स 80 डिवाइडेड क्या हुआ, 16 5 8 8, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 विल बी कैंसिल, सो आंसर विल बी 16, सो 16 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं, यानी कि 1, 16 अपॉन 1 इज इक्वल टू 16, यह भी 21/5। चैप्टर 2 में फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 21/5, सो 21/5 दैट मीन्स 21 डिवाइडेड 5, सो 5 4 20, 1 - 0 1 2 - 2 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखना है, 5 लिखना है, रिमाइंडर रिमाइंडर को अपर पार्ट में लिखना है और जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ फ्रेंड्स लेट्स चेक द आंसर, 5 4 20 20 + 1 21, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी सम है वो आपको करने हैं सेकंड वे और सब स्टूडेंट अप्लाई दिस मेथड 24/5, कैंसिलेशन इज इक्वल कैंसिलेशन कर देंगे, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा डिजिट दिखेगा जिसका कैंसिलेशन पॉसिबल हो तो आप डायरेक्ट कैंसिलेशन कर सकते हो। यहाँ पे 20 रेस में क्या होगा, 5 4 20, सो 5 5 विल बी कैंसिल, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाए 4 and 4, सो 4 multiplied by 4 एंड न्यूमरेटर में कोई डिजिट डिनोमिनेटर में कोई डिजिट नहीं है, यानी कि 1, सो 4 4 16/1 इज इक्वल टू 16। ओके, इस वजह से भी जा सकते हो, इस वजह से भी जा सकते हो, इसमें क्या किया हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई देन आफ्टर डिवीजन किया तो आंसर 16 आया, यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिलेशन। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरा करना है, हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि 1 और 8, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं। देन आफ्टर एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में जो सेम मेथड के सम है वो हम पहले कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम मेथड से करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ फर्स्ट 24
एंड सेकंड फोर डेज वन अपॉन टू ऑफ फर्स्ट 24 एंड सेकंड 46 दैट मींस वन अपॉन टू का 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है देन आफ्टर वन अपॉन टू का 46 के साथ मल्टीप्लाई करना है सो फर्स्ट वन अपॉन टू ऑफ 24 दैट मींस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय 24 टू में से आप जा सकते हो मैंने पहले भी बताया था 24 वन जा 24 अपॉन टू सो 24 डिवाइडेड टू करोगे तो आंसर क्या आएगा 12 और सेकंड में कैंसिल इस 24 दैट मींस 12 टू जा 24 सो टू टू विल बी कैंसिल आउट एंड 12 वन जा 12 एंड डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है तो 1 सो 12 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 1 अपॉन 2 ऑफ 46 1 अपॉन 2 ऑफ 46 दैट मींस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 46 कैंसिल इज सो 46 दैट मींस 23 टू जीरो सो 2 2 विल बी कैंसिल आउट सो आंसर विल बी 23 अगर आपको 46 टेबल में नहीं है टेबल में आपको रिमाइंडिंग नहीं हो रहा है तो क्या करना है 46 यहाँ पे क्या है तो 46 को 2 के साथ डिवाइडेड करो सो 2 2 4 0 6 2 3 6 सो 23 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का हमने फर्स्ट सम किया है नंबर ए और बी सी डी ऐसे जिस प्रोसेस करके करना है मल्टीप्लिकेशन करना है अगर कैंसिल से पॉसिबल है तो कैंसिलेशन करके जो आंसर आए डायरेक्टली देना यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का हमने ए किया है बी सी डी आपका होमवर्क है देन आफ्टर सेम है क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस मिक्स फ्रैक्शन सो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन 3 5 वाला था हमने जितने भी सम किए क्वेश्चन नंबर 6 में यू क्या है मिक्स फ्रैक्शन क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन में इंप्रॉपर फ्रैक्शन है इंप्रॉपर फ्रैक्शन में हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 5 5 = 25 + 1 is equal to 26 upon 5. Again, 5 5 is 25 plus 1 is equal to 26 upon 5. ये मेथड आपको भूलना नहीं है फर्स्ट दो डिजिट का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे जो डिजिट है उसका हम क्या करते हैं एडिशन सो प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 5 को एज इट इज लिखना है सो 5 5 is 25 25 प्लस 1 अपॉन 5 सो 26 अपॉन 5 आपको ये भूलना नहीं है इजीली डायरेक्ट करो 5 5 से 25 प्लस 1 26 सो 3 मल्टीप्लाई बाय 26 अपॉन 5 अब 5 का 3 के साथ भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है और 26 के साथ भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सो 26 3 जा 26 3 जा 3 6 जा 18 1 कैरी फॉरवर्ड 3 2 जा 6 प्लस 1 7 सो 78 अपॉन 5 ओके और आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं टू अप्लाई द डिवीजन सो 78 डिवाइडेड 5 सो 5 2 जा 10 सो 5 1 जा 5 7 माइनस 5 2 8 5 5 जा 25 और आंसर कितना है 15 दोनों यहाँ पे ओके ना रिमाइंडर में कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर स्मॉल हो और न्यूमरेटर बिग हो तब भी मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर एक देन आफ्टर
देन अगर कोई हम दूसरा क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं, सो फोर नंबर डी फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स वन अपॉन थ्री फ्रैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है. सो थ्री सिक्स आर 18 प्लस वन 19 अपॉन थ्री. ओके सो फोर मल्टीप्लाई बाय 19 अपॉन थ्री. अब आप देख सकते हो थ्री का फोर के साथ डिविजन पॉसिबल नहीं है, थ्री का 19 के साथ भी डिविजन पॉसिबल नहीं. तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन 19 फोर जर सो 19 फोर जर 9 फोर जर 36 नंबर थ्री कैरी फॉरवर्ड 4 वन जर 4 प्लस 3 7 सो 76 अपॉन 3. 76 अपॉन 3 को हम भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर स्मॉल है और न्यूमेरेटर बिग है. सो 76 अपॉन 3 दैट मीन 76 डिवाइडेड 3 3 2 is 6, 7 minus 6, 1, 6, 3 5 is 15, so 16 minus 15, 1, answer को कैसे लिखते हैं, denominator number है वो, as it is लिखते हैं, remainder 1, 1 को हम upper part में लिखते हैं, और 25 answer को हम यहाँ पे लिखते हैं, let's check the other answer, 25 3 is 75, plus 1, 76, okay? क्वेश्चन नंबर सिक्स का हमने ए नंबर और डी नंबर हमने किया है. देन अगर जो बाकी रहेगा यानी कि बी सी ई एफ आपको खुद करना है. देन अगर क्वेश्चन नंबर सेवन की मेथड एज इट इज ही, क्वेश्चन नंबर सिक्स की जैसे ही है एज इट इज. सो क्वेश्चन नंबर सेवन नंबर ए 1/2 ऑफ फर्स्ट 2 3/4 एंड सेकंड 4 2/9. सो 1/2 को 2 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करना है या आफ्टर 1/2 को 4 2/9 के साथ मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं. सो 4 2 8 8 प्लस 3 11/4 9 4 is 36. 36 plus 2, 38 upon 9. So, 1/2. First, 1/2 of 2, 3 upon 4. So, 1/2 of ki jagah kya likhte hain? Multiply. And 2, 3 upon 4 ka answer kitna aaya? 11 upon 4. Ab, cancellation possible nahi hai. Kyunki 4 ka cancellation ka 11 ke sath पॉसिबल नहीं है और 2 के साथ भी पॉसिबल नहीं है. सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 11 वन जा 11 एंड 2 फोर जा 8. देन आफ्टर द कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने से पहले देखना है या फिर आप देख सकते हो 11 बिग नंबर है और 8 स्मॉल नंबर है. डिनोमिनेटर स्मॉल है और न्यूमेरेटर बिग है. सो 11 डिवाइडेड 8 सो 8 वन जा 11 minus 8, 3. Okay? 11 minus 8, 3. So, answer कैसे लिखना है? यहाँ पे हमने 8 as it is लिख दिया. Remainder 3. और answer कितना आया? 1. So, 8 ones are 8 plus 3, 11 upon 8. आप division कब कर सकते हो? जब numerator में big number और denominator में small number हो तभी division करना है. उसके पहले के वीडियो में था 3/10. तो 3/10 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमेरेटर स्मॉल नंबर है और डिनोमिनेटर बिग नंबर है. दैट्स व्हाई उसका मिक्स फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. सो सेकंड क्वेश्चन 1/2 ऑफ 4 2/9. सो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 2/9. 4 2/9 का आंसर कितना है? 38/9. सो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 38/9. यहाँ पे 2 का 38 के साथ डिविजन पॉसिबल होगा.
विल बी कैंसर और 19 कौन सा 19 एंड डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है 9. अब हमें पता है कि 19 का 9 के साथ डिवीजन पॉसिबल नहीं है, आंसर 19 अपन 9 ही आएगा. 19 अपन 9 यहां पे स्मॉल नंबर है और न्यूमरेटर दी गई, दैट मींस मिक्स्ड फ्रैक्शन पॉसिबल है. सो 19 डिवाइडेड 9, सो 9 टू 18, 19 माइनस 18 1, 9 है तो 9 को ऐसे जैसे लिखते हैं. रिमाइंडर को 1 को ओवर पार्ट में और आंसर को हम यहाँ पे लिखते हैं 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन 9. सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे. ओके और क्वेश्चन नंबर 7 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, तो सेकंड क्वेश्चन नंबर बी आपको खुद करना है. ओके और नेक्स्ट टॉपिक डिविजन ऑफ फ्रैक्शन.